अगर कोई शख्स पैसों की नजर मारे और उसके अंदर 786 या 551 ऐसे कोई पैसे दे तो क्या इस तरह से कोई ले सकते हैं क्या? और दूसरा अगर किसी को फ्रॉड की कसम खाए तो क्या क्या करना चाहिए? मेरे भाई ने एक सवाल किया कि भाई ने एक सवाल किया कि पहले चीज़ की अगर कोई नज़र मांगे पैसों की और ऐसी बात 786 551, तो देखिए 786 551 ऐसी कोई मखसूस अमाउंट का देना शरीयतन हराम नहीं है, लेकिन मखसूस अकीदे की बुनियाद पर देना वो हराम करेंगे उस चीज़ को। 551 में तो कोई मसला नहीं, और उमूमन होता है 51 101 551 लोग देते हैं। ये इसलिए देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जो जामे जो माफ़ करना अबू दाऊद की, वल्लाहु वित्र व युहिब्बुल वित्र, अल्लाह ऑड है वित्र है और ऑड को पसंद करता है, वित्र को पसंद करता है। ठीक, तो जैसा कि खजूर खाए तो 1 3 5 है ना ऑड, तो हर चीज़। और हम लोगों में भरा इतना कॉमन नहीं, लेकिन अरबों में आप देखेंगे तो खजूर खाएंगे तो 1 खाएंगे 3 खाएंगे, चाय पिएगा तो 1 पिएगा 2 पिएगा तो तीसरा लेंगे ही, वो बोलेंगे 3 कर लेते इसको ऑर्डर कर देंगे इसको। ठीक, इसी तरह आपसे मिलेगा तो 1 गला मिलेगा या 2 मिलेगा, तीसरी बार बोलेंगे 3 कर लो उसको। ठीक, बहरहाल 1 बार काफ़ी है, लेकिन अगर उसको मिलना है, खुशी का इजहार करना है, ठीक, तो 3 बार करेंगे। ठीक, तो किसी भी चीज़ में ऑर्ड को अल्लाह पसंद करता है, इसलिए कि जब किसी और चीज़ को आप करते हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 ही आता है, इसलिए अल्लाह को पसंद है, इसलिए कि उसका रिमाइंडर 1 होता है और चीज़ का। आप उसको डिवाइड करेंगे तो आखिर में 1 बचता ही है उसके अंदर। जैसे 2 को आप 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 3 को आप कीजिए, 3 को 2 से करेंगे 1 बच जाएगा उसके अंदर। जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 हो जाएंगे और 1 रिमाइंडर उसका बच जाएगा उसका, तो हमेशा 1 बचता है उसके अंदर। तो अल्लाह वित्र है, 1 है, ऑड है और पसंद करता है। उस लिहाज से लोग कहते हैं किसी को तोहफा देना है पैसे का तो कितने दो? ऑड नंबर्स 11 51 51 11, इस नियत से। लेकिन कोई मखसूस नियत रहा कि फिर गलत है, लेकिन ऑड उस नियत से 501 मेहर भी ऐसी बांधते हैं लोग, चाहे ऑड हो जाए, है ना, जैसा कि 10 की जगह 11,000 बांधो, 13,000 बांधो, 1,000 बांधो, ऑड फिगर्स के अंदर 3,000 बांधो, तो ये ऑड के तो बहरहाल उसमें कोई हर नहीं। लेकिन 786 चूँकि मैं जानता हूँ इस इलाके में मखसूस अकीदे से होता है, उस मामले में एहतियात करें, वरना इंशाअल्लाह उसमें कोई हर्ज तो नहीं है नंबर के एतबार से।